जारी है भारत में कोरोना का कहर। 49 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का कोरोना से हुआ निधन। सीएम ने प्रकट किया दुख। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। खुद को किया क्वारंटाइन, हल्के बुखार की थी शिकायत। साथ ही 3 और विधायक हैं कोरोना से संक्रमित। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन मिले 26 सांसद कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी के हैं सबसे अधिक 12 सांसद। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख का दावा, 2024 की आखिर तक ही सबके लिए उपलब्ध हो सकेगा कोविड-19 वैक्सीन। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल ने 2 बार कराया कोरोना टेस्ट, 1 रिपोर्ट पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। ट्वीट कर पूछे आखिर कैसे। दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को कोर्ट ने भेजा 10 दिनों की पुलिस हिरासत में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, केंद्र सरकार के फैसलों से करीब 37 से 38 हजार लोगों की संक्रमण से मौत को टाला गया। साथ ही 14 से 29 लाख लोग बचे संक्रमण से। भारत चीन तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दे सकते हैं संसद में बयान। सांसदों के वेतन में 30% की कटौती, लोकसभा में पेश हुआ विधेयक। 1 साल के लिए होगा लागू, इसका उपयोग होगा कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए। UGC NET एग्जाम 2020 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिया बड़ा फैसला, 16 सितंबर की जगह अब 24 सितंबर से होगी परीक्षा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की परीक्षाओं से डेट में हो रहा था टकराव, इसलिए उठाया गया ये फैसला। काले हिरन मामले में फिर कसा सलमान पर कानूनी शिकंजा, कोर्ट ने जारी किया 28 सितंबर को हाजिर होने का आदेश। सुशांत की मौत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में 6 और गिरफ्तार। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को बेचते थे नशा, अब तक कुल 16 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हरिवंश लगातार 2री बार चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। पीएम मोदी बोले, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक शानदार अंपायर हैं। आम आदमी को लग सकता है झटका, अगले महीने से बढ़ सकते हैं टीवी की कीमतें। 1200 से 1500 तक बढ़ सकती है टीवी की कीमतें। टिकटॉक के अधिग्रहण की दौड़ में ओरेकल ने मारी बाजी, माइक्रोसॉफ्ट का प्रस्ताव खारिज। अमेरिका में अब ओरेकल ही करेगी टिकटॉक का कारोबार। डीएम के सांसद ने की नीट परीक्षा खत्म करने की मांग, बोले गरीब और ग्रामीण छात्रों का भविष्य छीन रहा है यह टेस्ट। तमिलनाडु में परीक्षा के भय से 11 छात्र कर चुके हैं खुदकुशी। टीएमसी सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे पर की टिप्पणी, लोकसभा में हंगामा। संसद में भी गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला, सांसद रवि किशन ने सदन में उठाया मुद्दा। कंगना का फिर शिवसेना पर हमला, बोली मेरी POK वाली बात सही साबित हुई। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी बोले, सरकार के 3 अध्यादेश किसान खेतिहर मजदूर पर घातक प्रहार। प्रशांत भूषण के सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की। UP में पहले संविदा पर करना होगा 5 साल नौकरी, अब नहीं मिलेगी सीधे सरकारी नौकरी, शुरू हुआ विरोध। आंध्र प्रदेश की युवती ने सेल्फी लेने के दौरान अमेरिका में वाटरफॉल से गिरी, हुई मौत। पीएम मोदी आज करेंगे बिहार में 7 योजनाओं का उद्घाटन। मोदी समेत 10,000 भारतीय लोगों पर है चीन की नजर। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का दावा, चीन की एक कंपनी रख रही है लोगों पर नजर।
वाराणसी में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कर रहे थे प्रदर्शन। नए अवतार में नजर आएंगे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के मुजफ्फरपुर के गायक और बिग बॉस प्रतियोगी दीपक ठाकुर के साथ दिखेंगे रॉबिन हुड म्यूजिक एल्बम में। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अर्धसैनिक बलों का जवान बनकर देते थे घटना को अंजाम। ओएलएक्स और क्यूकर ऐप पे बनाते थे बुजुर्ग लोगों को शिकार। रघुवंश प्रसाद का हुआ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। ये थी अब तक की टॉप न्यूज हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 81,911 नए मामले आए हैं। वहीं अब तक 49,26,914 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। बात करें रिकवर की तो पिछले 24 घंटे में 79,202 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं अब तक टोटल 38,56,246 लोग रिकवर हो चुके हैं। बात करें डेथ की तो पिछले 24 घंटे में 1,054 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं अब तक टोटल 80,808 लोगों की डेथ हो चुकी है। कोरोना से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नहीं बच पाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लिखा कि मुझे हल्के बुखार की शिकायत थी, इसके बाद मैंने टेस्ट करवाया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं खुद को क्वारंटाइन कर लिया हूं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दिल्ली के और 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं। गिरीश सोनी, प्रमिला टोकस और विशेष रवि कोरोना संक्रमित है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेस राम राठिया का भी कोरोना से मृत्यु हो गया, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दुख प्रकट किया है। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन 26 सांसद कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताते चले कि संसद सत्र शुरू होने के पहले 13 और 14 सितंबर को टेस्ट हुए थे, जिसमें 26 सांसद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें 17 लोकसभा के और 9 राज्यसभा के सांसद हैं। सांसदों और संसद कर्मचारियों सहित 4,000 से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख ने दावा किया है कि 2024 के आखिर तक ही सबके लिए कोविड-19 के वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। बताते चलें कि सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में टॉप पर है। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि जो भी भारत में वैक्सीन निर्मित होगी उसका 50% भारत में ही इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंगना रनावत ने शिवसेना पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरी POQ वाली बात सही साबित हुई। बताते चले कंगना ने पिछले दिनों एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की थी। साथ ही बताते चले कंगना के मुंबई स्थित ऑफिस को BMC ने 9 सितंबर को तोड़ दिया था, जिसके बाद कंगना राज्यपाल से भी मिली है और इसकी शिकायत भी की है। और कंगना फिर वापस हिमाचल लौट गई है। लौटने के बाद ही उन्होंने शिवसेना पर यह नया बम फोड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काले हिरन मामले में राजस्थान के जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान के ऊपर फिर से कानूनी शिकंजा कसा है। कोर्ट ने उन्हें 28 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। बताते चलें कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दरमियान इस मामले में तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और सैफ अली खान का भी नाम सामने आया था। दोस्तों
आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।